जो मूवी आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ यानी प्रीडेस्टिनेशन, ये एक पैराडॉक्स पर बेस्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर ये प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स है क्या। प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स टाइम ट्रेवल का एक यूनिक पैराडॉक्स है जिसमें टाइम ट्रेवलर यानी टाइम ट्रेवल करने वाला पर्सन एक ऐसे लूप में फंस जाता है जिसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है। जो भी इवेंट एक्चुअल टाइम में हो रहा होता है वो आगे होने वाले इवेंट की वजह बनता है। अब इस तरह के टाइम लूप में आप ये बात बता ही नहीं सकते कि आखिर की शुरुआत हुई कहाँ से थी। प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि टाइम ट्रेवलर इन्हें टाइम ट्रेवल करने वाला पर्सन चाह कर भी कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, यानी जो इंसिडेंट जिस टाइम पर हुआ वो उसी टाइम पर ही होगा, जिसका मतलब साफ है कि हिस्ट्री में होने वाले इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट को चेंज नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर टाइम ट्रेवलर पास्ट के किसी टाइम में जाकर किसी चीज को चेंज करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। अब प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको मजीद एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ। फर्ज कर लें कि आपकी एक फ्रेंड है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। जब आप उसे कॉल करते हैं तो आपको पता चलता है कि वो अपनी गाड़ी में बैठकर आप इसे मिलने आ रही है। आप उससे बात कर ही रही होती हैं कि अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। अब क्योंकि आप उसे इतना प्यार करते थे तो उसके गुजर जाने के बाद आपकी जिंदगी एकदम उदास हो जाती है। अब इस तरह करते करते टाइम गुजरता जाता है और फिर 15 सालों के बाद आप एक टाइम मशीन बना लेते हैं जिसकी मदद से आप किसी भी टाइम में जा सकते हैं। आपको फौरन वो दिन याद आएगा जब आपकी फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ था, यानी कि जिसमें उसकी मौत हो गई थी। अब क्योंकि आपके पास टाइम मशीन है तो आप सोचेंगे कि क्यों ना मैं पास्ट में उस टाइम में जाकर अपनी फ्रेंड को उस दिन मरने से बचा लूं। टाइम मशीन का यूज करके आप बिल्कुल उसी दिन में चले जाते हैं। आप एक गाड़ी लेकर उसी रोड पर आ जाते हैं जिस रोड पर उस दिन आपकी फ्रेंड आपसे मिलने आ रही थी। अब जल्दबाजी के चक्कर में आप अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में चलाने लगते हैं जिसकी वजह से आप गाड़ी पर से अपना कंट्रोल खो देते हैं और आपसे एक एक्सीडेंट हो जाता है। और जब आप गाड़ी से निकलते हैं तो आपको ये पता चलता है कि जिस गाड़ी को आपने हिट किया है उसमें कोई और नहीं बल्कि आपकी फ्रेंड बैठी हुई थी। यानी कि आप चाह कर भी उस चीज को चेंज नहीं कर सकते जो कि पहले हो चुका है, बस आप सिर्फ उस इंसिडेंट के पार्टनर बन सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि अब तक आप प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। और अब बढ़ते हैं प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स की मेन स्टोरी लाइन पर। तो मूवी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ जो कि आपने याद रखनी है, और वो ये कि इस मूवी में दिखाए गए चारों मेन कैरेक्टर्स यानी जेन, जॉन, बारकीप और फिजल बॉम्बर एक ही पर्सन है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि सब अलग अलग टाइम से हैं, कोई प्रेजेंट से है, कोई पास से और कोई फ्यूचर से। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम एक ब्रीफकेस वाले आदमी को देखते हैं जिसने कोट और कैप पहनी हुई थी। ये इंसान असल में एक टाइम ट्रेवलर है जो कि टाइम में पीछे आकर एक खतरनाक बॉम्ब ब्लास्ट को रोकने आया है जो कि कुछ टाइम बाद होने वाला है। इसीलिए वो फौरन उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश में लग जाता है। वो अपना काम कर ही रहा होता है, इन्हीं बॉम्ब को डिफ्यूज कर ही रहा होता है कि उसे ऐसा एहसास होता है कि उसके आसपास कोई है, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पर वही पर्सन आया होता है जिसने वहाँ पर बॉम्ब लगाया था। अब बॉम्ब डिफ्यूज करने के काम को छोड़कर वो उस आदमी को ढूंढने लगता है। जब वो उसे मिल जाता है तो दोनों एक दूसरे पर फायरिंग करने लगते हैं जिसकी वजह से बॉम्ब को डिफ्यूज करने का टाइम खत्म हो जाता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट की वजह से वो कोट कैप वाला आदमी इंजर्ड हो जाता है काफी और उसका पूरा फेस बुरी तरह से जल जाता है। अब वहाँ पर एक तीसरा आदमी आता है जो उस जले हुए आदमी की तरफ बढ़ता है, फिर वो एक बॉक्स जैसी मशीन को उसकी तरफ बढ़ाता है। असल में ये एक टाइम मशीन होती है। इस मशीन का इस्तेमाल करके वो जला हुआ आदमी एक बार फिर से साल 1992 में चला जाता है। ये वही साल होता है जहाँ से टाइम ट्रेवल करके वो इस टाइम पीरियड में आया था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जो सीन हमने देखा उसमें तीन लोग थे। पहला कोट कैप वाला आदमी जो वहाँ पर बॉम्ब को डिफ्यूज करने आया था, इसका नाम होता है जॉन। दूसरा पर्सन वो जिसने वहाँ पर बॉम्ब लगाया था और जॉन के ऊपर गोली भी चलाई थी और इसका नाम था फिजल बॉम्बर। तीसरा वो इंसान जिसने जॉन की तरफ टाइम मशीन बढ़ाई थी, इसका नाम होता है बारकीप। यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि ये तीनों पर्सन एक ही हैं, लेकिन अलग अलग टाइम से आए हैं जो कि टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर आए थे। एनीवे, उस इंसिडेंट के बाद जॉन अपने जले हुए फेस के साथ अपने टाइम इन 1992 में वापस जाता है। अब क्योंकि उसका पूरा फेस तो जल चुका था इसीलिए सर्जरी के जरिए उसे एक नया फेस दिया जाता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर ये जॉन है कौन और ये टाइम ट्रेवल क्यों करता है। असल में जॉन एक ब्यूरो का एजेंट होता है। इस ब्यूरो के पास एक टाइम मशीन भी होती है जो ये अपने एजेंट्स को इसीलिए देते हैं ताकि वो इसका इस्तेमाल करके पास्ट में होने वाले किसी भी हादसे को रोक सके। रही बात जॉन की, उसे ये काम दिया गया था कि उसने फिजल बॉम्बर को मारना है क्योंकि ये फिजल बॉम्बर साल 1975 में न्यूयॉर्क में एक खतरनाक बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला था जिसमें 10,000 से ज्यादा लोग मारे जाने वाले थे। लेकिन अपनी लाख कोशिश करने के बावजूद भी जॉन फिजल बॉम्बर को अभी तक नहीं मार पाया था। अब क्योंकि सर्जरी की वजह से जॉन को एक नया फेस मिल गया था इसलिए अब हम उसे जॉन नहीं बल्कि बारकीप कहेंगे। अब बारकीप को एक फाइनल मिशन कम्प्लीट करना था, इसी
लिए वो जाता है साल 1970 में और वहाँ पर बारकीप का काम करने लगता है। बारकीप वो होता है जो कि बार को चलाता है। फिर बार में एक दिन उसकी मुलाकात 1970 वाले जॉन से हो जाती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही जवानी वाला रूप होता है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बारकीप जॉन को पहचान लेता है क्योंकि वो उसका अपना ही जवानी वाला रूप होता है, लेकिन जॉन बारकीप को नहीं पहचान पाता क्योंकि सर्जरी की वजह से उसका पूरा फेस बदल चुका था। जॉन यहाँ पर बारकीप को बताता है कि मैं एक राइटर हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी लाइफ के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि मेरी बर्थ एक ऐसी बदकिस्मत बच्ची के रूप में हुई थी जिसे 1945 में उसके पेरेंट्स ने ऑर्फनेज के बाहर छोड़ दिया था। फिर बाद में उस बच्ची का नाम जेन रखा गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ी होती गई लेकिन उसे किसी ने अडॉप्ट नहीं किया। ऑर्फनेज में उसने कई बार ये बात नोटिस की कि वो बाकी गर्ल्स की निस्बत काफी पावरफुल है। हर तरफ से इग्नोर होने के बाद उसने स्पेस कॉर प्रोग्राम को ज्वाइन करने का फैसला किया। वो वहाँ पर काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी लेकिन फिर भी उसे वहाँ से डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है क्योंकि उसकी फिजियोलॉजी में कोई गड़बड़ होती है जिसके बारे में उस टाइम तो उसे नहीं बताया जाता। उस टाइम उसे डिस्क्वालीफाइड करने का रीजन ये बताया जाता है कि उसने वहाँ पर मौजूद एक लड़की से फाइट की है और ये बात बिल्कुल झूठ होती है। अब उस प्रोग्राम से निकाल देने के बाद जेन काफी दुखी हो जाती है। इसके बाद वो एक नाइट स्कूल ज्वाइन कर लेती है जहाँ पर उसकी मुलाकात एक स्ट्रेंजर से होती है जिसे वो पसंद करने लगती है। दोनों के बीच सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा होता है। फिर अचानक एक दिन वो स्ट्रेंजर जेन से मिलता है और वो जेन को बताता है कि मैं किसी मजबूरी की वजह से हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। अब उस स्ट्रेंजर के जाने के बाद जेन की लाइफ में एक बार फिर से उदासी छा जाती है। अब ये स्ट्रेंजर था कौन, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। आगे जेन को पता चलता है कि उसका बेबी होने वाला है। फिर कुछ टाइम के बाद वो एक बेबी गर्ल को बर्थ देती है। फिर वहाँ एक डॉक्टर जेन को बताता है कि उसकी फिजियोलॉजी थोड़ी अजीब है, जहाँ एक आम औरत में फीमेल ऑर्गन और आम आदमी में मेल ऑर्गन होते हैं, लेकिन जेन की बॉडी में ये दोनों ऑर्गन्स एक साथ मौजूद थे जो कि फुली डेवलप्ड हो चुकी थी। अब बेबी की बर्थ में कॉम्प्लेक्शन होने की वजह से उन्हें उसके फीमेल ऑर्गन को निकालना पड़ा, यानी कि अब जेन के पास सिर्फ मेल ऑर्गन ही बचा था, जिसका मतलब ये था कि जेन को अब एक मेल बना दिया गया था, यानी कि अब उसे अपनी बाकी की लाइफ एक मेल बनकर ही जीनी होगी। जब डॉक्टर जेन को ये सब कुछ बता रहा होता है तो उसके कुछ टाइम बाद जेन को पता चलता है कि किसी ने उसकी बच्ची को चुरा लिया है। वो बहुत कोशिश करने के बावजूद भी अपनी बच्ची को नहीं ढूंढ पाती। फिर आहिस्ता आहिस्ता जेन एक मेल की तरह रहने की कोशिश करने लगती है। वो अपने नाम को जेन से चेंज करके जॉन रख लेती है। अब ये सारी बातें बार में जॉन बारकीप को बता रहा होता है। यहाँ पर वो अपनी बात खत्म करता है और उसे ऐसा फील होता है कि बारकीप शायद उसकी बातों का यकीन नहीं करेगा, लेकिन बारकीप तो पहले से ही ये सब कुछ जानता था क्योंकि वो खुद जॉन का फ्यूचर वाला रूप है, यानी कि उसी की जिंदगी की कहानी थी जो अभी तक जॉन उसे सुना रहा था। लेकिन यहाँ पर बारकीप जॉन को अभी ये बात नहीं बताता कि मैं तुम्हारा फ्यूचर वाला रूप हूँ, लेकिन बारकीप जॉन को ये कहता है कि मैं उस स्ट्रेंजर को जानता हूँ कि वो कहाँ मिलेगा, यानी जिसने जेन की लाइफ बर्बाद की थी। वो जॉन से ये प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें ना सिर्फ उस स्ट्रेंजर के पास लेकर जाऊंगा बल्कि उसे मारने का तुम्हें एक मौका भी दूंगा, फिर चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। अब यहाँ पर जॉन और बारकीप टाइम मशीन का यूज करके उस टाइम में जाते हैं जब जेन नाइट स्कूल में काम करती थी। अब जॉन अपने पास एक गन रख के उस स्ट्रेंजर को मारने के लिए चला जाता है। उस स्ट्रेंजर को ढूंढते हुए उसकी मुलाकात हो जाती है जेन से। जेन उसे देखते ही पसंद करने लगती है। यहाँ पर जॉन फौरन ये बात समझ जाता है कि जिस स्ट्रेंजर को वो मारने आया है वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही है, यानी कि वो जॉन ही था जिसे जेन पसंद करने लगी थी और फिर बाद में वो जेन को छोड़कर चला गया, यानी कि जॉन खुद अपने फीमेल वाले रूप से मिला था। अब जब जेन और जॉन की बातें चल ही रही होती है कि बारकीप चुपके से वहाँ से निकल जाता है और वो टाइम मशीन का यूज करके चला जाता है 1970 में बॉम्ब को डिफ्यूज करने। ये वही सीन होता है जो इस मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है। बारकीप जब वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि फिजल बॉम्बर वहाँ पर बॉम्ब सेटअप कर रहा है। वहाँ उन दोनों की कुछ देर फाइट चलती है जिसमें कि बारकीप भी होश हो जाता है। जब उसे होश आती है तो वो वहाँ पर जॉन को देखता है जिसका फेस बॉम्ब को डिफ्यूज करते हुए जल गया था। फिर वो जॉन की तरफ उसकी टाइम मशीन बढ़ाकर उसकी हेल्प करता है ताकि वो वापस अपने टाइम पीरियड में जा सके। इसी दौरान फिजल बॉम्बर भी वहाँ से निकल जाता है। अब बारकीप उस टाइम में जाता है जहाँ पर हॉस्पिटल में जेन ने अपनी बच्ची को पैदा किया था। वहाँ पर उसकी मुलाकात ब्यूरो के हेड से होती है। उनके पास भी एक टाइम मशीन होती है, यानी कि वो भी टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। एनीवे, बारकीप उस हॉस्पिटल से जेन की बच्ची को उठाता है और उसे साल 1945 में ले जाकर एक ऑर्फनेज के बाहर रख देता है। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ ना सिर्फ फ्यूचर के मेल फॉर्म जॉन ने अपने ही पास्ट की फीमेल फॉर्म यानी जेन से रिलेशन बनाया, बल्कि उनकी जो बच्ची पैदा हुई थी वो भी वो खुद ही थे। और शायद
यही वजह हो सकती है कि उस बच्ची में फीमेल और मेल दोनों ऑर्गन्स थे, और इसी का मतलब है प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। यानी कि हम ये बता ही नहीं सकते कि इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई थी, क्योंकि वो बच्ची इसीलिए पैदा हुई थी कि फ्यूचर से आए उसके दोनों रूप आपस में मिले थे। अब बारकीप उस बच्ची को ऑर्फनेज के बाहर रखने के बाद वापिस से उसी टाइम में चला जाता है जहाँ पर जेन और जॉन दोनों एक साथ थे। अब बारकीप जॉन, जो की बेंच पर जेन के साथ बैठा था, इशारा करके उसे अपने पास बुलाता है। अब यही वो टाइम होता है जहाँ पर जॉन अपनी फ्रेंड को ये कहता है कि मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। अब जब जॉन बारकीप के पास आता है तो वो उसे बताता है कि अब हमें फ्यूचर में जाना है। अब यहाँ पर बारकीप जॉन को ये बात भी बता देता है कि मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा ही फ्यूचर वाला रूप हूँ। अब यहाँ पर जॉन और बारकीप टाइम ट्रेवल करके 1985 के टाइम में जाते हैं। वहाँ पर बारकीप ब्यूरो के हेड से मिलता है और वो जॉन को वहीं पर ही छोड़ देता है ताकि वो उस शौक से बाहर आ सके। वो जॉन के लिए अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी छोड़ देता है ताकि वो सभी चीजों को समझ सके और उसे फॉलो भी कर सके। अब ब्यूरो के हेड से मिलने के बाद बारकीप सीधा चला जाता है 1975 में अपने रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि साल 1975 में वो बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। अब बारकीप 1975 में होने वाले बॉम्ब ब्लास्ट से कुछ दिनों पहले के टाइम में जाता है। उधर 1985 में जॉन जब रिकवर होता है और वो बारकीप की दी गई ऑडियो को सुनता है तो उसे सारी सच्चाई का पता चल जाता है और बाद में वो खुद भी एक एजेंट बन जाता है, जिसके 7 साल बाद जॉन एक परमानेंट एजेंट बन जाता है। अब वो टाइम ट्रेवल करके साल 1970 में जाता है कोट और कैप पहनकर उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए जो फिजल बॉम्बर ने वहाँ पर लगाया था, और ये भी वही सीन है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। यहाँ पर जॉन फिजल बॉम्बर की एक्टिविटीज से डिस्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पर दोनों के बीच फायरिंग होती है और इसी बीच बॉम्ब को डिफ्यूज करने का टाइम खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। इस बॉम्ब के फटने की वजह से जॉन का पूरा फेस जल जाता है। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि पहले सीन में वो तीनों लोग कौन थे और वहाँ पर वो क्या कर रहे थे। अब बारकीप पहुँच जाता है 1975 में अपने ड्यूटी से रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि साल 1975 में होने वाला बॉम्ब ब्लास्ट अभी नहीं हुआ था। अब क्योंकि बारकीप तो रिटायर्ड हो चुका था, इसीलिए वो अपनी टाइम मशीन को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि उसमें एक एरर आ जाता है। और जब वो फाइल को चेक कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि ब्यूरो के हेड ने उसके लिए एक क्लू छोड़ा है जिसका इस्तेमाल करके वो फिजल बॉम्बर को पकड़ सकता है, यानी कि जो 1975 में न्यूयॉर्क में बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है। उस क्लू का इस्तेमाल करके बारकीप उस जगह पर पहुंचता है जहां पर फिजल बॉम्बर मौजूद होता है, और जब बारकीप फिजल बॉम्बर को देखता है तो वो ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि फिजल बॉम्बर कोई और नहीं बल्कि उसी के फ्यूचर का रूप है। यानी इसका मतलब ये है कि बारकीप इतने दिनों से अपने ही फ्यूचर के रूप को ढूंढने की और मारने की कोशिश कर रहा है। फिजल बॉम्बर की हालत को देखकर ऐसा लगता है कि शायद बारकीप के बार बार टाइम ट्रैवल करने की वजह से उसके दिमाग पर गहरा असर हुआ है, यानी कि जिसने उसे फ्यूचर में पागल जैसा बना दिया हो, और यही वजह बनी हो कि वो बारकीप से फिजल बॉम्बर बन गया। इसीलिए वो उस खतरनाक अटैक को रोकने के लिए बहुत सारे लोगों को मार भी देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बारकीप अपने फ्यूचर यानी फिजल बॉम्बर को मार डालता है, लेकिन वो अपने टाइम मशीन के बारे में ब्यूरो के हेड को नहीं बताता क्योंकि उसकी मशीन एरर की वजह से अभी भी चल रही थी। अब यहाँ पर सवाल उठता है, क्या बारकीप आगे जाकर फिजल बॉम्बर बनेगा या फिर नहीं। अब जैसा कि हमने देखा कि बारकीप ने फिजल बॉम्बर को मार तो दिया है, लेकिन उसने अपने टाइम मशीन के बारे में ब्यूरो के हेड को नहीं बताया और उसकी टाइम मशीन अभी भी चल रही है, तो ये बात इस तरफ इशारा करती है कि वो आगे भी टाइम ट्रेवल करता रहेगा। इस मूवी में हमने ये भी देखा कि जब कोई इंसान टाइम ट्रेवल करता है तो उसके दिमाग पर भी असर पड़ता है, यानी कि अगर बारकीप आगे जाकर भी टाइम ट्रेवल करेगा तो उसके दिमाग पर असर पड़ेगा और वो फिजल बॉम्बर बन जाएगा। अब बारकीप के फिजल बॉम्बर बनने का एक रीजन ये भी है क्योंकि ये मूवी यानी प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स पर बेस्ड है, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि जो पहले हो चुका है आगे भी वैसा ही होगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि टाइम ट्रेवलर किसी भी चीज को चेंज नहीं कर सकता। अब दूसरा सवाल ये उठता है, क्या न्यूयॉर्क में होने वाले बॉम्ब ब्लास्ट को रोक दिया गया। अब एक साइड से तो ऐसा ही लगता है कि शायद उस बॉम्ब ब्लास्ट को रोक दिया गया हो यानी फिजल बॉम्बर को मारकर, लेकिन आप ये मत भूलिए कि ये प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स है, यानी कि जो होना है वो तो होना ही है और ये बॉम्ब ब्लास्ट भी होकर ही रहे। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।